अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग, आज हुई है इस्लामाबाद में और अब मैं जा रहा हूँ कपड़े चेंज करने, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इस वजह से यही ड्रेस पहना हुआ है। अभी सोकर उठा हूँ, अब जा रहा हूँ कपड़े चेंज करने, फिर जाना है घूमने। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। नाश्ता करके फारिग हो चुका हूँ और अभी टी पी रहा हूँ। जल्दी से टी पी कर कपड़े चेंज करने जाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और इस्लामाबाद में 5 बजे अंधेरा हो जाता है। रेडी हो चुका हूँ मैं और अब मैं जा रहा हूँ अपने ब्रदर इन लोगों के साथ उनके ऑफिस, उधर कुछ काम है, वहाँ से फारिग होकर आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे सारे घूमने। अनाविया भी तैयार हो रही है तो वो नीचे जा चुके हैं, मैं भी जा रहा हूँ। सुबह सुबह अभी मैं निकला हूँ और बाइक पे निकला हूँ, बाइक और इस्लामाबाद का रोड। अच्छा, इस्लामाबाद का रोड अलग ही एक रिफ्रेशमेंट मिल रहा है बिल्कुल, और इधर रोड पे बिल्कुल साफ सुथरा। ये लियाकत बाग है, चार महीने से लोगों को शूट किया गया था, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। ऑफिस आ चुके हैं हम लोग इनके और ये पूरा बिल्कुल अपने सदर गोल्डन के जैसे। रेडी हो चुका हूँ, ऑफिस से आ चुका था, अब हम लोग जा रहे हैं घूमने और मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ अनाविया से। ये अनाविया है मेरी भांजी, क्यूट सी, ये भी हमारे साथ घूमने जा रही है। तो बस अब हम लोग घर से निकल रहे हैं। हम लोग निकल चुके हैं और इस्लामाबाद में फर्स्ट राइड कर रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। काफ़ी ज़्यादा रोड इधर साफ है, इधर राइड करने में कोई भी मसला नहीं हो रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मस्जिद हम लोग जा रहे हैं और सामने उसका 2 मीनार दिख रहा है, बिल्कुल रोड साफ सुथरा और बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। ये अभी इस्लामाबाद पे हमने स्टे किया और सामने फैसल मस्जिद है, ये पहाड़ियाँ मनाल जो है, मनाल इसके पीछे, इस पहाड़ के पीछे। इंशाल्लाह मनाल भी जाऊंगा घूमने और ये पार्क है। इधर रास्ते में रुके हम लोग थोड़ा सा, डर फिर दो ना, अरे दो, डर रही है नाम इधर ला, वो देखो लड़ने ही लगे किसे, नाम डर गई। फाइनली ये इस्लामाबाद फैसल मस्जिद बैक साइड है और ये मनाली का पहाड़ है। अभी हम लोग इधर रुके हैं और ख़ास तौर पे मैं ब्लॉग बनाने के लिए रुका हूँ कि इधर थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह शूट कर लूँ, फिर फैसल मस्जिद जाएंगे, उधर शूट करेंगे और मैं एक दिन में 2 ब्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि लॉन्ग ब्लॉग हो जाता है ना, ब्लॉग 9-10-11 मिनट का होना चाहिए, लेकिन लॉन्ग ब्लॉग हो जाएगा, इस वजह से मैं एक दिन में 2 ब्लॉग बनाया करूँगा। तो आप लोग पिछला जो होगा जो अपलोड करूँगा वो आप लोग देख लेना, काफ़ी इन्जॉयमेंट मिलेगी आप लोगों को ब्लॉग में। पिक्चर वगैरह इधर शूट कर चुके हैं और अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग इंस्टा पे जाएं, इंस्टा पे फॉलो करें, वहाँ पे न्यू पिक्चर्स भी आएगी और रील्स वगैरह भी आएगी। और मैं आपको मिलवाता हूँ अपने वकार भाई से, जिनके पास मैं आया हूँ रुकने। ये हैं वकार भाई, कैसे हैं वकार भाई? ठीक ठाक,
इनके पास आया हूँ और यही मुझे सारी जगह घुमा रहे हैं। इंशाल्लाह मनाल भी जाएंगे। आप लोगों ने काफ़ी इंस्टा में कहा कि मनाल जाओ मनाल, मनाल और मरी का भी टूर होगा एक दो दिन में। पहले यहाँ का ब्लॉग इस्लामाबाद का घुमा ले, क्योंकि इस्लामाबाद का बना ले घुमा ले, नहीं मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुँह बिल्कुल खुश के ना, तो ठंड इधर काफ़ी ज़्यादा है। अब हम लोग जा रहे हैं फैसल मस्जिद के अंदर। ये ना ऊपर से गिरा है और ये ना फ्लावर टाइप बना हुआ है, कितना खूबसूरत लग रही है। हम लोग समझे थे शरीफा जो फ्रूट होता है ना वो है, लेकिन ये फ्रूट नहीं है, ये कोई फ्लावर टाइप है। फैसल मस्जिद पहुंच चुके हैं और इधर काफ़ी ज़्यादा ही रश हो रहा है, क्योंकि हम लोग जिस दिन आए संडे का दिन है, इस वजह से इधर काफ़ी ज़्यादा रश है। अब जाना है फैसल मस्जिद के अंदर। अभी हम लोग ये फैसल मस्जिद के बैक साइड गए थे, जहाँ पिक्चर लिए वीडियो वगैरह बनाया, इंस्टा पे आप लोग देख लेना। उधर खाने के लिए पापड़ी हम लोगों ने, और सामने ना किसी चीज़ की शूटिंग चल रही है, पता नहीं किस चीज़ की शूटिंग चल रही है। फैसल मस्जिद के अंदर इंटर हो रहे हैं हम लोग। इधर ही शूज उतार के जाना होगा अंदर। जा रहे हैं फैसल मस्जिद के ऊपर। पिक्चर जो आएगा वो ऊपर सबसे अच्छा आएगा, क्योंकि बैक साइड वगैरह ना पूरा दिख रहा होगा, तो ऊपर काफ़ी अच्छा पिक्चर आने वाला। और आप लोग इंस्टा पे लाजमी देखना पिक्चर। बस यहीं से चलते हैं, इतना बड़ा सीढ़ी चलना पड़ेगा। ये वीडियो शूटिंग हो रही है, सारे आते ही वीडियो शूट करने हैं, लेकिन मैं तेरी व्लॉग बनाने आया हूँ, सारे आते हैं टिकटॉक बनाने। बना लूँगा मैं भी इंस्टा रील्स वगैरह के लिए, जो मुझे इंस्टा रील्स वगैरह चाहिए होगा जानना होगा तो। हाँ होगा राजी। जा रहे हम लोग ऊपर और अनाविया साथ साथ। अनाविया क्या खा रही है? फालतू चीज़, फालतू चीज़ बच्चों का लाजमी खाना होता है, वरना इनको खाना हजम नहीं होगा। सारे इधर ना टिकटॉक वीडियो बना रहे ऊपर। क्या नज़ारे हैं इधर, यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। इंस्टा रील्स वगैरह बना लिया, पिक्चर वगैरह भी ले लिए हैं। और इधर ये पहाड़ी जो है ना यार, बस लास्ट है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इधर, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि पूरी यही आई थिंक इसके बैक पे ना मनाल है, मनाल जो है ना वो इसके बैक पे। अब जा रहे हैं फैसल मस्जिद के अंदर। अंदर इंटर हो रहे हैं फैसल मस्जिद के, अनाविया भी साथ ही जा रहे हैं। इधर लिखा हुआ है सिर्फ मर्दों के लिए, जैसे इधर जेंट्स ही जा सकते हैं, वुमेन वगैरह कोई नहीं जा सकती हैं। ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, अनाविया आप नहीं जाओगी अंदर। अनाविया डर गई, बोली नीचे चलो, नीचे जाना, नीचे जाना। हाँ अच्छा, ये बंद किया भाई उन्होंने, ये तो बंद है, कुछ दिख रही नहीं। नमाज के टाइम खुलेंगे। अच्छा ये सिर्फ नमाज के टाइम खुलता है, इसके अलावा नहीं खुलता ये। और अंदर कुछ नहीं दिख रहा, मैं ज़रा टॉर्च बंद करके देखती हूँ कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ये थोड़ा बहुत अंदर नज़र आ रहा है।
माशाल्लाह इतनी क्यूट सी बच्ची लेटी हुई है। हेलो हाउ आर यू। हेलो इसको समझ नहीं आ रहा कुछ। वो आए हुए थे चाइना से तो उनके साथ पिक्चर लिए और वीडियो वगैरह बनाया। उनको ना उर्दू स्पीकिंग समझ नहीं आ रही थी तो वो बस हेलो हाय यही कर रहे थे ना, बस वैसी वीडियो बनी। बस वो ये सभी बोल रहे थे उनको क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। उनकी जो उनके साथ एक बेबी भी थी उसके साथ एक पिक्चर लिया, इंस्टा पे अपलोड करूँगा। उनके साथ भी इंस्टा पे अपलोड करूँगा, आप लोग इंस्टा पे देख लेना। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, अब यहाँ से निकलना है ना, बस यहाँ थोड़ा घूम लिया, यहाँ से निकल रहे हैं तो ब्लॉग बस यहीं से बाहर जाऊँगा और एंड कर दूँगा। फैसल मस्जिद से हम लोग बाहर आ चुके हैं, अब जा रहे हैं घर की तरफ। तो आज ब्लॉग अनाविया एंड करेंगे, अनाविया मेरे साथ, अनाविया एंड करें जल्दी। लाइक करें, ओके। आज अनाविया ने ब्लॉग किया एंड, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टॉप दें और नोटिफिकेशन अपने सब्सक्राइब की ऑन कर दें ऑल पर, क्योंकि कोई भी वीडियो आएगी और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।